आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, सिंपल सा हिंदी में इसका मतलब समझिए फोर्स को तोड़ना। ठीक है, एक सिंगल गिवन फोर्स को दो फोर्स में तोड़ना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग अ सिंगल फोर्स इनटू नंबर ऑफ फोर्सेस विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी एक सिंगल फोर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर ऑफ फोर्सेस में बिना फोर्स का इफेक्ट चेंज किए हुए। ठीक है, एक सिंगल फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ फोर्सेस में, यानी एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो फोर्स में, एफ एक्स और एफ वाई में। और देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मीन्स फाइंडिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन। ये जो एफ फोर्स दिया हुआ फोर्स है, इसे हमें दो कॉम्पोनेंट में तोड़ेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट यानी एफ एक्स फोर्स हो गया, वाई कॉम्पोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो गया एफ वाई फोर्स। तो अब हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अच्छे से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब तो आइए दोस्तों हम जानते हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बारे में। ये दिया हुआ फोर्स था एफ, ये ग्राफ है एक्स और वाई। ठीक है, ये दिया हुआ फोर्स था एफ, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स की तरफ, ओके, और यहाँ पे दे देते हैं ओ, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, ओके। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ये हो गया ए ओ बी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस हो गया, ठीक है, ओ बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हो गया ओ ए, तो ओ बी बाय ओ ए। तो हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है हमें, यानी हमें एफ एक्स निकालना है। यहाँ पे कॉस थीटा हो गया ओ बी बाय ओ ए, देयरफॉर ओ बी यहीं पे रह जाएगा, ओ ए इधर चला जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू कॉस थीटा इनटू ओ ए। ओ बी क्या है, एफ एक्स है, ओ बी है एफ एक्स, कॉस थीटा ओ ए एफ है, तो हमारा एफ एक्स निकल गया एफ कॉस थीटा, यानी एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया। सिमिलरली वाई कंपोनेंट भी हम निकाल लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाय ए ओ, ए बी बाय ए ओ, तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, एफ वाई निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू ए ओ। ए बी क्या है, एफ वाई है, साइन थीटा, ए ओ क्या है, एफ है, यहाँ पे हमने अच्छे से दिया हुआ है। आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो हमने एक्स कंपोनेंट निकाल दिया, वाई कंपोनेंट निकाल दिया। दोस्तों आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल अगर आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का, तो इसी मेथड से किसी भी फोर्स का रेजोल्यूशन निकलता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी चीज़ से लेकर के, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। प्लीज डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। माय नेम इज एमडी जफर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।